मॉर्निंग गाइस, सरोज नगर के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शॉप नंबर और लोकेशन को समझाने की कोशिश करूंगी। वो मैं ऐसा इसलिए करने वाली हूँ, जितने भी नए लोग सरोज नगर आने का प्लान कर रहे हैं, जो पहली बार विजिट करेंगे, उनको यहाँ से शॉपिंग करने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहली बार आते हैं, उनको प्रॉपर लोकेशन का पता नहीं होता है और वो चीजें महंगी ले जाते हैं, और फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चीजें थोड़ी सी महंगी ले गए। इसलिए हमेशा मैं ट्राई करती हूँ शॉप नंबर में आपको बताऊं, लोकेशन में आपको बताऊं। 10:30 बजे के करीबन यहाँ पे कम ही भीड़ रहती है। मैं आई हूँ आज बिक्सी वाली लाइन में। 185 जो शॉप नंबर है ना, उसके दो गेट पड़ते हैं, एक ICICI की तरफ पड़ता है और एक दूसरा बैक साइड में बिक्सी की तरफ निकलता है। तो मैंने बिक्सी वाली लाइन में से इस शॉप में एंट्री करी थी। इनका कलेक्शन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको टॉप वगैरह चाहिए ना, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, और जरूरी नहीं है आप सिर्फ इसी शॉप पे जाओ। बहुत सारी शॉप ऐसे जहाँ पे आपको टॉप्स का काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, और मेनली ये सारी शॉप ना बिक्सी वाली लाइन में है। बिक्सी वाली लाइन में आप कैसे जाओगे, गेट नंबर 3 से जैसे ही आप एंट्री करके राइट लोगे ना, तो जो फर्स्ट रो आती है वही बिक्सी की तरफ जाएगी। आपको उसी रो को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, जितने भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, कॉर्नर पे ही ना शॉप नंबर 102 और 103 के अपोजिट में शॉप नंबर 193 पड़ती है, जिसपे बहुत ही ज्यादा सुंदर कलेक्शन लगा था 200-200 रुपए के टॉप्स का। अगर आपको 200 रुपए में कुछ अच्छा खरीदना है ना, तो यहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक ऑप्शन मिलेंगे। नेवी ब्लू का जो ये शर्ट थी ना, शर्ट कम जो कुर्ता था, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और इस वाले शॉप के जो टॉप की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी। बिक्सी वाली लाइन में है ना एक शॉप थी, जिसपे आपको हैंडबैग्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। मतलब ये वाली शॉप ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। 550 की रेंज में आपको इस तरीके के जूट के बैग मिल जाएंगे। ये वाली शॉप ना बिक्सी वाली लाइन में ही पड़ेगी, तो आप इसको बहुत इजीली ढूंढ लोगे। बिक्सी वाली लाइन में ना एक से बढ़ के एक शॉप है, जहाँ पे आपको हैंडबैग, स्लिंग बैग्स की वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर आपको अपने लिए टॉट बैग लेने हैं, तो टॉट बैग की जो प्राइस रेंज थी ना, वो 850-800 से स्टार्ट होकर 1500-1600 तक जा रही थी। सब बैग्स का अलग अलग प्राइस था, डिपेंड कर रहा था कि आप किस मटेरियल में और किस डिजाइन का बैग लेना पसंद कर रहे हो। और रोड साइड पे ना आपको 100-100 रुपए की सेल भी मिल जाएगी। आपको टी शर्ट्स वगैरह बिक्सी वाली लाइन में ना शॉप्स के बाहर ही नजर आ जाएंगी। तो जिन लोगों को डाउट है कि मार्केट ओपन है या नहीं ओपन है, रिंग लग रही है या नहीं लग रही है, मैं उनको क्लियरली बता दूं, मार्केट बहुत अच्छे से ओपन है, सारी शॉप्स ओपन है, शॉप्स के बाहर रिंग भी लग रही है। बट अगर आप पहले की सिचुएशन बिफोर कोविड को और आफ्टर कोविड को कंपेयर करोगे, तो आपको कम ही नजर आएंगे। जगह जगह पे आपको शॉर्ट्स की सेल मिल जाएगी। 50 की रेंज में चाहिए है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 120 की रेंज में चाहिए, वो भी आपको इधर मिल जाएंगे। ये वाली शॉप भी ना आपको बिक्सी वाली लाइन में ही मिलेगी। अगर आपको 50-50 की शॉर्ट्स लेनी है, तो जैसे ही आप गेट नंबर 3 से एंट्री करो कि जूस कॉर्नर के जस्ट साइड में एक भैया बैठते हैं, हमेशा वही रहते हैं और वो 50-50 की कॉटन की शॉर्ट्स बेच रहे होते हैं। अगर आपको इस तरीके का स्टफ चाहिए ना, ये भी काफी अच्छा स्टफ था, प्राइस इनका 120 था। नॉर्मली अगर आप किसी और शॉप से लोगे, तो आपको 150 रुपीज की ईच पड़ेगी। डिजाइन आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से शॉर्ट्स खरीद सकते हो। आप भीड़ मार्केट में देख ही रहे हो कि लोग दूर दूर से यहाँ से शॉपिंग करने आते, तो जिन लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट है ना कि पता नहीं सच में कैसी मार्केट है, अच्छी है या नहीं है, तो आप यहाँ की भीड़ से आइडिया लगा सकते हो कि इतने लोग अपना टाइम निकाल के आ रहे, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी। बिक्सी के ही ना जस्ट डायगनल में अपोजिट में आपको 100-100 रुपए की ट्यूनिक्स भी मिल जाएंगी। इनके पास जो ट्यूनिक्स और टॉप थे ना, वो मिक्स थे, बीच बीच में कुछ ना टी शर्ट्स भी लगा रखी थी, बट जो नॉर्मली आपको वैरायटी देखने को मिलेगी ना, वो ट्यूनिक्स की मिलेगी। डिजाइन काफी सही रहे थे। अगर आपको रात को पहनने के लिए कुछ हल्का फुल्का चाहिए ना, तो आप इस तरीके की ट्यूनिक्स भी पहन सकते हो। बहुत सारे लोगों को टी शर्ट्स पहनना पसंद नहीं होता, तो वो ट्यूनिक्स ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग आपको डिजाइन मिल जाएगा। इनके पास लोअर्स वगैरह भी थी, पजामे वगैरह भी थे, तो अगर आपको वो भी चाहिए ना, तो 150 की रेंज में आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ पे लेगी लोअर्स की एक से बढ़ के एक वैरायटी रहती है। तो अगर आप यहाँ आते हो ना, तो आपको इतना ज्यादा मजा आएगा, मजा
क्यों आएगा, उसके भी बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। दूसरा रीजन ये यहाँ पे आपको इतने ट्रेंडी डिजाइन देखने को मिल जाएंगे एक ही जगह पे कि आपको कहीं पे भी देखोगे ना किसी भी नॉर्मल मार्केट में आपको वैसे डिजाइन नहीं मिलेंगे। दूसरा इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। होम यूटेंसिल्स आप यहाँ से खरीद सकते हो, होम डेकोर की चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो ओवरऑल ना पूरी भरी पूरी मार्केट है, आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको और ज्यादा अच्छे टॉप वगैरह देखने हैं तो आपको ना जगह जगह पे शॉप्स नजर आएंगी जिन पे आपको काफी अच्छा कलेक्शंस देखने को मिलेगा। जो ये वाली शॉप थी ना, ये आपको पड़ेगी जो आईसीआईसी वाली लाइन है ना, उस वाली लाइन में। इनका कलेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़िया था और मतलब इनकी जो वैरायटी थी ना टॉप की, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मतलब अलग अलग डिजाइन के आपको टॉप मिल जाते हैं, वो भी 200-200 रुपए की रेंज में। और क्या चाहिए भाई, इतने सस्ते टॉप ना आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे। आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आप कितना भी ट्राई करो, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ना डिजाइन को आप सामने देख सकते हो, स्टफ को आप फील करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग, कोई जबरदस्ती नहीं रहता, पूरी शॉप ऐसे ही ओपन रहती है। बाहर से ही आवाज लगाते रहते हैं कि 200 की तो सेल, 200 की सेल। तो आपको बार बार ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई ये टॉप कितने का। जो भी आपको पसंद आ रहा है ना, आप रिंग में से लीजिए, उसको नापिए, आगे पीछे से आराम से उसको तसल्ली से देखिए। क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो मार्केट में दोबारा चेंज कराने तो नहीं आएंगे। तो इसलिए कभी भी आप सस्ती मार्केट में जाए ना, तो हर चीज को देख के ले। मोर्नी और इंसेंस के जस्ट अपोजिट डायगोनल में आपको इस तरीके के टॉप मिल जाएंगे। टॉप की जो वैरायटी रहती है ना, वो काफी अच्छी रहती है। प्राइस रेंज भी इनका नॉर्मल प्राइस रहता है। टॉप वगैरह आप कहीं से भी लो, आपको है ना 200-200 रुपए में मिल जाएंगे। पर जगह जगह पे ना, कई कई जगह पे आपको ना ये 100-100 रुपए में भी चीजें मिल जाती है। बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। बट ये वाले जो टॉप है, ये 200-200 रुपए के थे और इनकी जो क्वालिटी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फॉर्मल टॉप में आपको काफी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सरोज नगर में ना आपको किसी भी तरीके की वैरायटी चाहिए, कोई भी डिजाइन चाहिए टॉप में, आपको हर एक डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पेशली जो 102, 103, 104 शॉप है ना, इन वाली शॉप पे ना आपको जैकेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं अपनी वीडियो में ना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं है टॉप ही खरीदनी हो, कुर्तियां ही खरीदनी हो, बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा शॉपिंग भी करनी होती है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं आपको साथ साथ में चीजें बताती चलूँ कि आपको जैकेट कहाँ से मिल जाएंगी, जीन्स कहाँ से मिलेंगी। जीन्स अगर आपको चाहिए तो आप साउथ स्क्वायर की तरफ जाओ, शॉप नंबर 139 है, शॉप नंबर 136 है, अच्छा कलेक्शन रहता है। और टॉप का प्राइस बार बार मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, एक बार बता चुकी हूँ, 200 रुपए है। और हर एक टॉप का सेम प्राइस रहेगा, आपने बोर्ड पे भी देखा 200 रुपए मेंशन था। तो इसलिए वो बार बार ना सेम बताना कि ये वाला टॉप भी 200 का, ये वाला टॉप भी 200 का, तो वो थोड़ा सा बोरिंग साउंड करता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उस टाइम में आपसे जो नॉलेज अपनी, जो एक्सपीरियंस मैंने सरोज नगर में लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि जो भी नए लोग पहली बार जाए ना, उनको यहाँ पे मजा भी आए, वो अच्छी भी शॉपिंग करे, उनका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और उनका सबसे बड़ी बात आना वर्थी हो। अगर मेरी वीडियो देख के अगर कोई भी लोग आता है ना मार्केट में, तो मेरा ट्राई रहता है, अगर वो मुझे पहले भी कमेंट करके पूछते हैं ना कि मैम किस शॉप से क्या शॉपिंग करे, कहाँ जाए, कैसे ले, मैं हमेशा प्रॉपरली अपने हर एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट रहता है ना, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझसे पूछा करो, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। आई होप आपको ये वाले टॉप पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे थे। स्पेशली जो फॉर्मल वियर टॉप रहते हैं ना, उसमें आपको काफी अच्छे ऑप्शन जाएंगे। अगर आप मिंत्रा से भी अच्छी क्वालिटी का टॉप लेते हो ना, तो कम से कम एक अच्छा टॉप आपको 700-500 की रेंज में मिलेगा। और सेम चीज, सेम डिजाइन, सेम नहीं बट सिमिलर डिजाइन आपको यहाँ पे 200 रुपीज की रेंज में मिल जाएंगे। डिजाइन देखिए, मैंने एक रिंग में आपको कितने सारे डिजाइन दिखाए, और मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई होगा जिसको ये डिजाइन नहीं पसंद आएंगे। मोस्टली जो टॉप थे ना इस वाले रिंग के, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। शगुन साड़ी शॉप नंबर 167 ए के अपोजिट ना आपको बेल्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो आपकी हैवी पार्टी वियर इयररिंग्स रहते हैं ना, उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सरोज नगर में आपको सस्ती ही चीजें मिलेंगी, सरोज नगर में ना हर एक वैरायटी की आपको चीज मिल जाएगी, सस्ते से सस्ती, महंगे से महंगी। आप जो ये इयररिंग्स देख रहे हो, आपको क्या लगता है कितने के होंगे? मतलब एक आइडिया, 200-250? ऐसा नहीं है भाई, 200-250 की भी चीजें नीचे वाली जो है ना, वो आपको 50 रुपीज से स्टार्ट होती जाएंगी, ऊपर
100 रुपए की, फिर 150 रुपए की, 250 रुपए की, इस तरीके के इयरिंग्स आपको 350 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। तो जितने भी हैवी पार्टी वियर है ना, वो 350-400 रुपए की रेंज में है और 500 रुपए तक भी है। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों के मन में ऐसा डाउट ना रहे या लोग मन में एक परसेप्शन ना बनाए कि यहाँ पे इस तरीके के इयरिंग्स पे आपको 100-200 रुपए में मिल जाएंगे। मतलब वही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर उसका प्राइस डिपेंड रहता है। और मतलब नो डाउट यहाँ पे आपको 20-20 रुपए में भी इयररिंग्स मिल जाते हैं, बट जितनी हैवी क्वालिटी लोगे ना यार, उसका प्राइस उसी हिसाब से होता है। बेल्ट वगैरह जो आपको साइड में दिख रही है ना, वो भी यहाँ पे 50 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, और जो हैवी वाली बेल्ट है ना, वो 200-250 और 300 रुपए तक रहती है। शॉप नंबर 160 सेम लाइन में पड़ेगी, बिग सी वाली लाइन में। जितनी भी शॉप मैंने अभी तक दिखाई ना, सारी बिग सी वाली लाइन को कवर किया है। उसके पीछे एक रीजन था कि इन केस अगर मैं कोई शॉप नंबर बताना भूल जाती हूँ और आप सेम लाइन में अगर शॉप्स को कवर करते जा रहे हो, तो आपको ये वाली शॉप बहुत इजीली मिल जाएंगी। 250 की रेंज में यहाँ पे आपको टी शर्ट्स मिल जाती है। नॉर्मली यहाँ पे 200 रुपए प्राइस रहता है, बट कुछ कुछ शॉप्स का जो GSM रहता है ना, या फिर जो उनका थ्रेड काउंट रहता है टी शर्ट्स का, वो ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से उनका प्राइस रहता है। प्रिंट देखिए कितने सारे, और इस वाली शॉप पर ना एक से बढ़ के एक वैरायटी थी। शॉप के बाहर भी 100-100 रुपए की टी शर्ट की सेल लगी हुई थी। तो ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से क्या चीज़ खरीदनी है, शॉप के अंदर से लेनी है या शॉप के बाहर से लेनी है। शॉप के अंदर से लोगे ना, तो आपके लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए कि मतलब आपका मन करेगा ये वाली टी शर्ट भी ले लूँ, ये वाली टी शर्ट भी ले लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि भाई बजट भी देखना होता है, पॉकेट का भी ध्यान रखना होता है। तो जो लोग पास से होते हैं वो तो कभी भी आके लेके जा सकते हैं, बट जो लोग दूर से आ रहे हैं वो अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। टी शर्ट्स देखिए कितने ज्यादा सुंदर है, एक से बढ़ के एक डिजाइन है, मल्टीपल कलर्स है। और शॉप्स के बाहर ना 100-100 रुपए की आपको आराम से इस तरीके की सेल आजकल नजर आएगी। जो लोग मेरे से बार बार कमेंट करके पूछ रहे ना कि मैम मार्केट बंद तो नहीं होगी, तो मैं उनको बता दूं अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। आई डोंट नो कहाँ से रूमर्स फैल रहे हैं कि मार्केट बंद हो गई है या पटरी मार्केट नहीं लग रही। हाँ, बट जो लोग ने ना बिफोर कोविड यहाँ की सिचुएशन देखी होगी ना, वो लोग अपना एक्सपीरियंस सही शेयर कर रहे हैं यार। उस टाइम पे इतनी धक्का मुक्की होती थी ना, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आप गलियों में जाओगे ना, आप गलियां खाली पड़ी है, तो इसलिए वो लोग आपको बोलते हैं कि यार कम लग रहे हैं या पटरी मार्केट नहीं लग रही है। बट ना शॉप्स के बाहर कुछ कुछ आपको पटरी मार्केट भी दिखाई देगी, जहां से आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो। अब आप यहीं पे देख लो ना, 100-100 रुपए में मैंने आपको कितनी वैरायटी की शर्ट्स दिखा दी, टॉप दिखा दी, मिनी स्कर्ट दिखा दी, जैकेट्स दिखा दी, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पे किस लोकेशन पे खड़े हो। टाइम भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मतलब पता नहीं चलता इंसान की कब किस चीज पे नजर पड़ जाए और वो आपको कितनी सस्ती मिल जाए। एक चीज और मुझे याद आई, मेरे एक व्यूवर मुझे काफी दिन से कमेंट कर रहे थे, मैम कुछ शॉर्ट्स वगैरह दिखाओ, कुछ मतलब स्लैक्स दिखाओ, कुछ मतलब इनर वेयर आप हमें दिखाओ। तो मैंने सोचा कि आज वाली वीडियो में ना मैं थोड़ा थोड़ा इनर वेयर्स वगैरह भी मैं ट्राई करूंगी। ये सब आपको ना पैंटी वगैरह 50-50 रुपीज में मिल जाएगी, और जो शेपर थे ना वो आपको 150 रुपीज की रेंज में मिलेंगे। इनके साथ ना आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इनका फिक्स प्राइस है। और ये वाले है ना सिल्क शूज करके ना एक शॉप उसके बाहर खड़े हुए थे, और जो सिल्क शूज करके मैं जो आपको शॉप बता रही हूँ ना, उस वाली शॉप पे आपको बहुत ही अच्छी हील्स मिल जाएंगे, पंप्स मिल जाएंगे, वैरायटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। सॉफ्ट सिल्क शॉप का नाम है। शॉप नंबर 67 बिग सी वाली लाइन में छोटे बच्चों के अगर आपको कपड़े वपड़े लेने हो ना, तो काफी अच्छी वैरायटी में यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसी लाइन में ना एक शॉप नंबर 54 और 57 है, जिसपे बच्चों के ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। तो जो लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े लेना चाहते हैं, या मेरी वीडियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बच्चों के कपड़े देखने होते हैं, तो मैं उनको बता दूं यहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छी वैरायटी में बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। जो अभी आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये सारे 100-150 वाले हैं। आपको काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन, काफी अच्छे अच्छे टी शर्ट 100-100 रुपए में मिल जाती है। तो आप डोंट वरी, यहाँ पे आपको ना बच्चों के काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। फ्रॉक वगैरह आपको 250-250 रुपए में मिल जाएंगे। सामने वाली जो नाइट वेयर है वो आपको 250 की रेंज में मिल जाएंगे। सेम शॉप पे ना आपको स्कर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगी डेनिम के, अगर आपको चाहिए। सबका अलग अलग प्राइस रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो हर एक ऑप्शन का प्राइस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर आपको टी शर्ट्स वगैरह चाहिए ना, साड़ी संसार के नीचे ही सेल लगी हुई थी बाहर,
अब अगर आपको 50 और 80 रुपीज़ की सेल चाहिए ना, वो भी आपको इधर मिल जाएगी। और 80 रुपीज़ में ना मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस इस बार दिखाई दिए, मतलब सारे नहीं थे बट कुछ कुछ ऑप्शंस काफ़ी सही थे जो आप 80 रुपीज़ में खरीद सकते हो। साड़ी जो संसार है ना, वो मतलब दो तरफ से खुलता है। अगर आप बिक्सी वाली लाइन से आप ICIC की तरफ जाते हो ना, तो एक छोटी सी पतली सी गली है, उसमें से आप निकल के जा सकते हो, जहाँ पे 167A दिखाया था ना, उसके जस्ट सामने ही। तो आपको ना शॉप वगैरह लोकेशन वगैरह ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है ना, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हील्स वगैरह यहाँ पे है ना, आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलेंगी और वेरायटी काफी बढ़िया मिल जाएंगी। 450 रुपए की रेंज में ना आपको इस तरीके की जो सिल्वर और गोल्ड वाली हील्स है ना, वो आपको मिलने वाली है। नॉर्मली जो प्राइस रेंज रहती है ना अच्छी क्वालिटी की, वो 400-500 रहती है। अभी मैं आपको जितनी भी हील दिखा रही हूँ ना, ये सब 350-400-450 की रेंज में है। अलग अलग डिजाइन है तो सबके अलग अलग प्राइस रहेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे बार्गेनिंग करने में। शूज वगैरह, स्नीकर्स वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के स्नीकर्स है, ये आपको 850-1000 रुपए की रेंज में मिलेंगे। ये वाला शूज था ना, ये आपको 950 रुपीज का मिलेगा और काफी अच्छा था, मतलब ऑप्शंस काफी बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। एक से बढ़ के एक आपको स्नीकर्स मिल जाएगा, कलर्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं। और आपने मेट्रो में भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के शूज पहने होते हैं, वो सरोजनगर से ही लेके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली मिलते हैं और इनकी जो क्वालिटी रहती है, फिनिशिंग रहती है शूज की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपको इस तरीके के स्पोर्ट्स शूज चाहिए ना, वो आपको 350-400 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। नॉर्मली जो स्नीकर है वो 700-800-1000-1100 रुपए की रेंज में रहते हैं, क्योंकि ना डिजाइन टू डिजाइन उनका प्राइस वेरी करता है। जितनी भी ये प्रीमियम क्वालिटी आप देख रहे हो ना, ये 800-1000 रुपए की रेंज में है। ये जो हैंगर में आपको चप्पलें दिखाई दे रही है, वो 250 रुपए की है। तो आपको ना जगह जगह पर स्नीकर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। बिक्सी वाली लाइन में भी बहुत सारी शॉप है, ICICI बैंक वाली लाइन में भी काफी सारी शॉप है। और आपको कैनवस स्नीकर चाहिए ना, ये आपको 650-700 रुपए की रेंज में मिलेंगे। थोड़ा बहुत आप इनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। सेम शॉप पे आपको ना हैंडबैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये वाली शॉप ना मैंने पहले भी कवर करी थी, अगर किसी को हैंडबैग्स देख के याद आ रहा होगा ना, तो मतलब आप रिकॉल कर सकते हो कि ये वाली शॉप बिक्सी वाली लाइन में ही थी और आपने पहले देखी थी। ऑप्शन 250 वाली रेंज में काफी सही थी। आपको यहाँ पे आके ना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपको 1% भी नहीं लगेगा कि आपने महंगी शॉपिंग करी है, क्योंकि यहाँ पे ना वैरायटी इतनी ज्यादा अच्छी है, प्राइस रेंज इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बट जब भी आए ना, बड़ा बैग अपने साथ लेके आए, ताकि आप बहुत सारा सामान यहाँ से, बहुत सारी यादें यहाँ से कैरी करके अपने साथ ले जा सके।